डॉक्टर रिजवान, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, सेकुलरिज्म। आज की डिबेट में लड़ाई झगड़ा नहीं, बहुत आराम से समझा जाएगा। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, सेकुलरिज्म। मैं मानता हूं कि ये फर्जी सेकुलरिज्म का साइनाइड चाट रहा है हिंदू, इसीलिए अब हिंदू आतंकवाद भी वो बर्दाश्त कर रहा है। ये सेकुलरिज्म का साइनाइड है, फर्जी सेकुलरिज्म का। इस चक्कर में वो सुन रहा है कि वो आतंकी है, ISIS है, उदार है, सहिष्णु है, क्या है क्या नहीं, लेकिन ये इस वजह से आज ISIS और बोको हराम से भी तुलना की जा रही है। इलियास शरीफुद्दीन जी, अगला सवाल आपसे। इस्लामिक आतंकवाद कहना इस्लाम के खिलाफ तो नहीं है ना फिर, क्योंकि हिंदुत्वा टेरर कहना हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है जी। सबसे पहले मैं आपको दो बातें बता दूं। पहली बात तो ये है कि धर्म को बाज लोग कहीं पर हाईजैक कर अपने दूसरे एजेंडे को डिलीवर करते हैं, और अक्सर मुल्कों के अंदर माइनॉरिटीज पर हमला कर आग लगाते हैं और देश को, मुल्कों को, कंट्रीज को बर्बाद करते हैं। हमारे देश में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के दौर में एक ग्रुप था जिसने हिंदुइज्म को, हिंदुत्व को हाईजैक कर महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी, और एक ऐसी आइडियोलॉजी को फरोग दिया था जो आरएसएस, सरदार पटेल को अडॉप्ट कर लिया। इतिहास पढ़ा है जिसकी, शरिया पढ़ा है, इतिहास पढ़ा है, मैं दोनों भी पढ़ा देता हूं। शरिया नहीं, इतिहास पढ़ा है। सरदार पटेल और शरिया दोनों भी पढ़ा। नहीं, पटेल देश को एक सूत्र में बांधने वाले पटेल, 565 रियासतों का भारत में विलय कराने वाले पटेल, और जूनागढ़ के राजा को घुटनों पर लाने वाले पटेल, गोवलकर और नथुराम गोडसे उसको हाईजैक करके महात्मा गांधी को मार डाले थे और देश में आतंक का माहौल मचा दिए थे। तो सरदार पटेल ने हिंदुत्व आतंकवाद बोलकर उसको बैन लगाया था। तो हर दौर में ऐसे गुमराह लोग जो धर्म को हाईजैक करते हैं, सरदार पटेल जैसे लोग उठना पड़ता है, हम जैसे लोग उठना पड़ता है। आप अपनी जुबान से सरदार पटेल का नाम ले रहे हैं, आप उनके पैरों की धूल भी नहीं है, आपको पता है। देश बचता है, आप बार बार अपने मुंह से सरदार पटेल का नाम ले रहे हैं, आप उनके पैरों के नाखून बराबर भी नहीं, आप धूल भी नहीं, आप उनके पैरों की। सरदार पटेल जानते हैं आप कौन है? देश के पहले उप प्रधानमंत्री, लौह पुरुष, देश को एक सूत्र में पिरोने वाले, 565 रियासतों का भारत में विलय कराने वाले सरदार पटेल। अपनी गंदी जुबान से सरदार पटेल का नाम मत लीजिए। खैर चलिए, मैंने सवाल क्या पूछा था उस पर आपको बोलना चाहिए था। इलियास, देखिए आप आ गए, देखिए औकात दिखा दी, भाषा का स्तर। शरीफुद्दीन जी हो गया, एक सेकंड में गंगा जमनी तहजीब सब आगे, देखिए चेहरा देखिए। दो सवाल सख्त पूछी जाए, ये लोग गर्दन काटने की धमकी दे देते हैं और सब कुछ। ये देखिए आप, ये है गंगा जमनी, ये देखिए, ये असली रंग दिखाते हैं, ये संस्कार है इनके। एक सेकंड के अंदर अंदर गर्दन काटने की धमकी देते हैं, लाइव देखे धमकी दे रहे हैं। इनको क्या बोला मैंने, सरदार पटेल के पैरों की धूल बराबर भी नहीं है ये लोग। ये सरदार पटेल की बात करते हैं, देश के पहले उप प्रधानमंत्री, देश को एक सूत्र में पिरोने वाले, 565 रियासतों का भारत में विलय कराने वाले सरदार पटेल। इस्लामिक आतंकवाद इस्लाम के खिलाफ नहीं है। मैंने प्यार इतना मीठा सवाल पूछा था इलियास भाई, आप बौखला गए। चलिए ठीक है इलियास भाई, कोई नहीं, यही संस्कृति हम सुनेंगे, सुनना पड़ेगा। सेकुलरिज्म कोई नहीं, अच्छी बात है।